कि जिन्होंने बहुत है इसे एक बार गुजारिश करूंगा सर से, वेलकम सॉन्ग स्वागत गान। ये जर्नी ये सफर कितना लंबा है और किस तरह से रहा है, और गेट ऑफ जर्नी यानी कि इंस्टीट्यूट में एनआईटीटी राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान में प्राचार्य के रूप में, आदर्श विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में उनकी गेट ऑफ जर्नी की ओर 10 जून 2008। मुझे लगता है कि सर ने सोच लिया होगा अच्छा जुलाई में ठीक है ना, फिर अप्रैल के बाद वैकेशन के बाद जाते हैं, थोड़ी सी मेरी भी तैयारी हो जाएगी और थोड़ा सा जो स्कूल खुल रहा है थोड़ा ठीक से खोल लेंगे, अगर इस पर खोल लेंगे। सो सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ मैं विद्यालय परिवार को भी, ऊंचाइयों पे ले जाने में आपके जो अथक परिश्रम रहा है, आपकी जो लगन रही है, आपका जो समर्पण रहा है, वो विद्यालय के इतिहास में लंबे मील के पत्थर होते ही ऐसे। अगर एक मील का पत्थर 1 किलोमीटर दिखाता है तो 1 किलोमीटर एक भूख मिटा रहा है 1 किलोमीटर की, लेकिन दूसरी भूख जगा रहा है किसकी, 2 किलोमीटर वाले माइलस्टोन के लिए। तो ऐसे ही सर आप के भाव और इसी तरह से तरक्की की राह पर आपके साथ मिलकर और आपके मार्गदर्शन में ये चलता रहेगा। कि सर की बात करें तो एक अलग ही तरीके से और जिस तरीके से बहुत कुछ है कहने को अभी, तो अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री राजकुमार सर को जो कि क्यों आए हमारे अपने भाव अपने मुखारविंद से पर एक ऐसे समारोह के लिए इकट्ठे हुए हैं
जहाँ पर हम अपने जो प्रिंसिपल सर हैं उनको एक विदाई देते हैं, ऐसा होता है जब हम आते हैं अपनी नौकरी में, अपने जॉब करते हैं, उस समय हमारा जो काम के प्रति समर्पण
धानचाले महोदय सभी टीचर्स और प्यारे बच्चों, मेरे पास ज्यादा कहने के लिए तो कुछ नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग कह चुके हैं और सर के साथ मेरे ज्यादा अनुभव नहीं रहे हैं, लेकिन जो भी रहा वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए शेयर करूंगा कि सबसे पहले कॉन्वर्सेशन से हमारी जो मुलाकात हुई थी वो जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था PRA में, उस समय सर में उस समय के लिए पढ़ाने आए थे। तो Thank you.
आएंगे हरियाली सार आएगी जब काली बदली छाएगी कोयल मल्हारे गाएगी एक याद में तरसाएगी तो नैना नीर बहाएगे हम तुमको जैसा कहा जैसा वक्त मिला उसी हिसाब से कुछ दो चार लाइनें हमने भी लिखने की कोशिश की। दोस्तों आज कुछ नहीं है हाथ में तो अगर कोई गलती कुछ त्रुटि रह जाए तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी रहूंगा। और आइए जो अनुभव सर के साथ रहे आज 12 साल हो गए मुझे इस विद्यालय में और हमारे पेरेंट्स खुद ये देख करके ताजुब फील किया करते थे कि इनके जो प्रिंसिपल हैं वो भी खुद ब्लाइंड हैं और एक विजुअली चैलेंज किस तरीके से विद्यालय को चला सकता है आप सभी लोग सोच सकते हैं। तो दो चार लाइनें मैं भी कहना चाहूंगा कि आखिर वो घड़ी आई आज हम सभी दे रहे हैं विदाई आखिर वो घड़ी आई आज हम सभी दे रहे हैं विदाई बहुत खास है ये पल आज हमारे बीच से विदा हो रहे हैं कमलवीर सिंह जग्गी सर बहुत खास है ये पल आज हमारे बीच से विदा हो रहे हैं कमलवीर सिंह जग्गी सर इन्होंने प्रधानाचार्य के रूप में बहुत अच्छा काम किया इस विद्यालय को नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया जाने वाले मैं नहीं सुना रहा भाई दुखी मत हो जाओ मैं कहना चाहूंगा प्रतिमा मैम को मैम प्लीज आइए डिप्यूटी डायरेक्टर सर इंचार्ज प्रिंसिपल सर माय कलीग्स एंड डियर स्टूडेंट्स मेरा सर के साथ काम करने का मुझे ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी तो मिल नहीं पाई बट एक जब हमने टीचिंग प्रैक्टिस यहाँ पर करी थी डीएड की तो उस वक्त सर को देखा है पूरे स्टाफ को तो सर का जो पंक्चुअलिटी है वो चीज़ को मैं हमेशा से मेरे को बहुत अच्छा लगा है वो चीज़ हम करेंगे कोशिश अपनी लाइफ में फॉलो करने की और ज़्यादा मेरे को बोलना आता नहीं है मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहूँगी इस मौके को देखते हुए कोशिश करूँगी मुझे लग रहा है अगर ये ना हुआ होता तो शायद मैं यहाँ से बड़े आधे मन से आज विदाई देता हूँ
तो मुझे बहुत इस बात की प्रसन्नता है कि स्कूल में जाते जाते मुझे आने का मौका मिला और आप लोगों के सबके विचार सुनने का मौका मिला। लेकिन दो चीज की ओर पे ध्यान दिलवाना चाहूँगा, राजकुमार जी, राजू मौर्य और प्रतिमा, तीन लोगों ने बोला सर बहुत पंक्चुअल है। बच्चे मनी मन सोच रहे कहाँ पंक्चुअल है, 10 मिनट हमें इंतजार कराया। सच बात है ना,